रिसेंटली मुझे बहुत सारे सवाल अपने फेसबुक पेज पे और अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखने को मिला है कि हेडफोन एम्पलीफायर क्या होता है। ये जो सवाल है ये मुझे बहुत बार बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये जो हेडफोन एम्पलीफायर है ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसको हमें किस कंडीशन में ज़रूरत पड़ता है अपने हेडफोन्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हेडफोन एम्पलीफायर है इसका जो नाम है वही सजेस्ट करता है कि ये हेडफोन में जो सिग्नल इनपुट हो रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हेडफोन्स है हेडफोन्स के अंदर आखिर होता क्या है। बेसिकली अगर आप एक हेडफोन को खोलोगे तो उसके अंदर आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा। ये जो स्पीकर है ये बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इनको हम नॉर्मली मिनिएचर स्पीकर्स बोलते हैं। ये जो स्पीकर्स है इस स्पीकर्स के अंदर ऑब्वियसली कॉइल रहता है। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली कोई भी स्पीकर हो तो उसके अंदर रहता है एक कॉइल और मैग्नेट। अगर आपको नहीं पता है कि स्पीकर कैसे काम करता है तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है, आप जाइए उस लिंक पे जाके आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्पीकर कैसे काम करता है। तो ये जो स्पीकर्स है स्पीकर्स के अंदर रहता है कॉइल। अब स्पीकर की क्वालिटी के हिसाब से उसका आउटपुट के पावर के हिसाब से ये जो स्पीकर के अंदर जो कॉइल है वो वैरी करता है। जैसे कि आपने साथ बहुत बार देखा होगा कि किसी भी एक, मैं बड़े स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, कि किसी स्पीकर पे लिखा हुआ रहता है 8 ohms, किसी में लिखा हुआ रहता है 4 ohms, किसी में लिखा हुआ रहता है 10 ohms, ऐसे अलग अलग वैल्यूज लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि वो जो स्पीकर है उसका इम्पीडेंस कितना है, मतलब उस स्पीकर का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस किस वजह से क्रिएट हुआ, स्पीकर के अंदर जो कॉइल है उसकी वजह से। वो जो कॉयल है उसका रेजिस्टेंस कितना है उसी के हिसाब से वो जो वैल्यू है वो लिखा हुआ रहता है। 8 ohms, 6 ohms, 10 ohms, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। अब ऐसे ही अगर मैं हेडफोन्स की बात करूँ, हेडफोन्स में भी स्पीकर्स हैं, उसके साथ भी सेम केस है। अगर यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर हेडफोन का, एक हाई एंड हेडफोन का, बेसिकली हेडफोन एम्पलीफायर्स उसी हेडफोन्स में ज़रूरत होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एंड होता है, अच्छे काम करने के लिए उसको बनाया जाता है, मतलब वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, जो कि प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए हेडफोन्स को बनाया जाता है, जिस तरह के हेडफोन्स को बनाए जाते हैं, वो हेडफोन्स नॉर्मली हमारे कंप्यूटर से पावर अप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसका पावर आउटपुट काफ़ी कम होता है। मैं कंप्यूटर की बात करूँ या फिर मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ या फिर टैबलेट्स की बात करूँ, किसी भी गैजेट आप ले लो, यहाँ पर इसका जो पावर आउटपुट होता है वो काफ़ी कम होता है। अब ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर हेडफोन एम्पलीफायर्स की ज़रूरत पड़ता है। ये जो हेडफोन एम्पलीफायर्स है ये कंप्यूटर से आया हुआ सिग्नल को लेता है और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और उसके बाद वो जो सिग्नल है उसको हेडफोन में देता है ताकि हेडफोन प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप एक हेडफोन को मार्केट से परचेस करते हो जो उसका इम्पीडेंस काफ़ी ज़्यादा है, और उस केस में वो जो हेडफोन है वो काफ़ी हाई एंड हेडफोन भी होगा। अगर इसका इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है तो वो काफ़ी हाई एंड हेडफोन भी होगा। तो ये जो हेडफोन है अगर आप इसको डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में प्लग इन करोगे तो जो हेडफोन में जो ऑडियो क्वालिटी आएगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, आपको लगेगा कि हेडफोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है वो उतना पावर उस हेडफोन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितना उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं करूँगा, आप अगर उस हेडफोन को मोबाइल फ़ोन में ही प्लग इन करोगे तो भी आपको उतना अच्छी तरह से ऑडियो क्वालिटी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए। ये पावर कौन देगा, अगर आप एक हेडफोन एम्पलीफायर लगाते हो तो यहाँ पे ये जो हेडफोन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है अगर आप हेडफोन एम्पलीफायर लगाते हो तब और जब हेडफोन एम्पलीफायर नहीं था तब। अब यहाँ पे हेडफोन एम्पलीफायर्स के साथ कुछ और भी केस है, जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर्स होता है उसके अंदर एक एम्पलीफायर होता है, एक हेडफोन एम्पलीफायर होता है, पर उसके अंदर जगह की कमी के वजह से या फिर कॉस्ट की वजह से ये जो एम्पलीफायर्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम पावर के आउटपुट दे सकता है, वरना हमारा जो नॉर्मल हेडफोन्स है वो कैसे चलता है, उसमें भी पावर की रिक्वायरमेंट होती है पर बहुत कम होता है, ठीक है। पर ये जो इतना कम पावर का रिक्वायरमेंट है वो हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो हेडफोन एम्पलीफायर्स है वो हैंडल कर लेता है। यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो आउटपुट वो प्रोवाइड करता है हेडफोन के ज़रिए वो कैसे देता है। कंप्यूटर नॉर्मली डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, अब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब एनालॉग में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये जो सिग्नल है इसको हेडफोन एम्पलीफायर में दिया जाता है ताकि वो सिग्नल एम्पलीफाई हो, वरना आपका हेडफोन्स भी वर्क नहीं करेगा। तो हेडफोन के वर्क करने के लिए एक छोटा सा एम्पलीफायर आपके कंप्यूटर में रहता है, कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या फिर टैबलेट हो या फिर कोई भी गैजेट हो, सीडी प्लेयर हो, जिसमें भी हेडफोन का ऑप्शन रहता है, सब केस में ये चीज़ होता ही है, एक एम्पलीफायर होता है, बट वो बहुत ही कम
पावर जनरेट कर सकता है और उसी पावर से नॉर्मल हेडफोन्स चल जाता है। पर जो हाई एंड हेडफोन्स होता है जैसे कि प्रोफेशनल लेवल का, वो हेडफोन्स वहाँ पर चल नहीं सकता, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हेडफोन एम्पलीफायर्स का क्या काम हुआ, जो सिग्नल आपका कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, जो वो आउटपुट में दे रहा है, उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता है, उस सिग्नल को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद हेडफोन्स को देता है ताकि हेडफोन ढंग से चल पाए। पर ये जो हेडफोन एम्पलीफायर्स होते हैं, ये हेडफोन एम्पलीफायर्स सिग्नल में जो डिस्टॉर्शन है उसको रिमूव नहीं कर सकता। अब बहुत सारे हाई एंड यहाँ पे एम्पलीफायर्स होते हैं जिसमें ये फंक्शन रहता है, पर सिग्नल में अगर डिस्टॉर्शन है तो उसको एक मीडियम रेंज का कोई भी एम्पलीफायर उसको हटा नहीं सकता। तो इसी वजह से अगर आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल बुरा क्वालिटी का आउटपुट देता है, सिग्नल में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन वाले आउटपुट देता है, तो उसको वो ठीक से एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। जो सिग्नल है उसमें नॉइज रह जाएगा और एम्पलीफायर की वजह से वो जो नॉइज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी की वजह से आप जो हेडफोन में जो साउंड सुनोगे वो बहुत ही बुरा सुनोगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस तरह के कंडीशन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में, जो आउटपुट है उसमें बुरा आउटपुट आ रहा है, जो हेडफोन है उसमें अलग अलग तरीके के नॉइज आ रहा है, तो इस कंडीशन में हेडफोन एम्पलीफायर के साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड भी खरीदना होगा जो कि एक्सटर्नल होगा। एक एक्सटर्नल साउंड कार्ड खरीदने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वरना एक हेडफोन एम्पलीफायर इस कंडीशन में कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, उसमें धूल मिट्टी की जम जाता है। अब धूल मिट्टी की वजह से यहाँ पे जो आईसीज होता है, आईसीज कभी कभी प्रॉब्लम करता है, या फिर पुराने हो जाने की वजह से जो सोल्डरिंग बॉल्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये सारे के सारे बीजीए पैकेज में आता है। अगर आपको नहीं पता है कि बीजीए पैकेज क्या है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पे बीजीए पैकेजेस में सारे आईसीज आते हैं, जो भी कंप्यूटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आईसीज होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स में, वो ज़्यादातर केस में बीजीए पैकेज में होता है, मतलब कि बॉल ग्रिड एरे। अब इस पैकेज में जो आईसीज होता है, अगर ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, मदरबोर्ड के साथ सोल्डर्स है, तो ये जो सोल्डर जॉइंट्स है वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और इसी चीज़ की वजह से और सोल्डरिंग में प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे नॉइज जनरेट होना शुरू हो जाता है, और उसी की वजह से आपका जो हेडफोन है वहाँ पे अलग अलग तरीके का नॉइज आएगा। जो साउंड आउटपुट है, सिर्फ हेडफोन की बात नहीं हो रही है, जो भी साउंड आउटपुट आप अपने कंप्यूटर से लोगे वहाँ पे इस तरह का डिस्टॉर्शन आएगा। पर अगर आप एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड खरीद लोगे और उसको आप अपने कंप्यूटर में लगा लोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिकली यही कुछ बातें था जो मुझे आपसे कहना था हेडफोन एम्पलीफायर्स के बारे में और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। और एक चीज़ है कि अगर आप एक हेडफोन एम्पलीफायर खरीद रहे हो तो कम से कम 2 से 3 चैनल वाला मिनिमम खरीदना, 4 चैनल वाला होगा तो और भी अच्छा होगा, मतलब आप डेडिकेटेड 4 हेडफोन्स को अलग अलग कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन लगाने की जगह चाहिए हमें, तो ये जो एम्पलीफायर है ये आपको बेकार ना हो जाए, जो आप अभी खरीद रहे हो ये बेकार ना हो जाए, बाद में अगर आप चाहो तो इसमें 2-4 जो मर्जी हेडफोन्स लगा पाओ। और हाँ, मैंने कुछ हेडफोन एम्पलीफायर्स को रिकमेंड किया है, अगर आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिया है मैंने वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपने पसंद के हिसाब से उन एम्पलीफायर्स को देख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपने मेरे सोशल मीडिया से लिंक पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए सोशल मीडिया से लिंक पे फॉलो कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।